इसराइल और हिजबुल्ला के बीच अब युद्ध तय माना जा रहा है, क्योंकि पहले तो 17 और 18 सितंबर 2024 को इसराइल ने लेबनान में पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके कराए, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए जबकि 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने इसराइल को डंके की चोट पर कह दिया कि वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही डरेगा। लेकिन इन सब के बीच अब इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले में हिजबुल्ला का एक और विकेट गिर गया है। दरअसल IDF ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक की है, जिसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई जबकि 59 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के टॉप ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका को इब्राहिम अकील की तलाश थी। अकील पर 1983 में बेरूत में अमेरिकी सैनिकों की बैरक पर बमबारी करने का आरोप था। IDF का कहना है कि इब्राहिम अकील उत्तरी इसराइल पर हमले की योजना जिम्मा संभाल रहा था। इसके अलावा अकील हिजबुल्ला की एलिट राडवान फोर्स का सक्रिय कमांडर था। इसके अलावा वो गैलीली में हमला करने का मुखिया था। बेरूत एयर स्ट्राइक को लेकर IDF ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि अकील और कमांडर जिन्हें मारा गया है वो उन लोगों में से थे जो गलीली में हमला करने और कब्जा करने की अगुवाई कर रहे थे। וחיסל את ראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה, איברהים אקיל. יחד איתו את שרשרת הפיקוד הבחירה של כוח רדואן. הם התכנסו מתחת לאדמה, מתחת לבניין מגורים, בלב שכונת הדחיה, תוך שהם משתמשים באזרחים כמגן אנושי. הם התכנסו לתיאום פעולות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל. आज सुबह इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के संगठन संचालन के कमांडर इब्राहिम अकील को निशाना बनाया और उसके साथ साथ एलिट राडवान फोर्स के कमांडरों को भी मार गिराया। वे दहिया के बीचों बीच एक रिहायशी इमारत के नीचे और अंडरग्राउंड रूप से इकट्ठा हुए थे। वो नागरिक को अपनी ढाल बनाते हुए इसराइल के खिलाफ आतंकी हमले का समन्वय करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उधर IDF का कहना है कि अकील ने 80 के दशक में हिजबुल्ला को ज्वाइन किया था और वो लेबनान के बाहर हिजबुल्ला के हमलों का जिम्मेदार था। अकील दूसरे देशों में हुए कई हमलों में शामिल था, जिसमें आम नागरिकों की जान गई थी, और 2004 से ही अकील हिजबुल्ला के ऑपरेशन का हेड था। वो हिजबुल्ला की बॉम्बिंग और एंटी टैंक हमलों, एयर डिफेंस और अन्य संगठनों का जिम्मा संभाल रहा था। IDF के मुताबिक अकील 1983 में बेरूत में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले का जिम्मेदार था और इस हमले में अमेरिका को उसकी ही तलाश थी। इसके अलावा 1980 के दशक में अमेरिकी और जर्मन लोगों को बंधक बनाने में भी उसका हाथ था। अमेरिका ने इब्राहिम अकील के ऊपर $70 लाख का इनाम रखा था।